गाइस वेलकम बैक टू चैनल साइनम एफएफ। तो आज का ट्यूटोरियल बहुत इजी होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना जो नए बंदे हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहले आपको यह ऐप डाउनलोड करना है, कंट्रोल रोटेशन वाला प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और फिर गेम में जाके रिकॉर्ड करना है। बता देता हूँ, रोटेशन सीधे पर रखना है, ठीक है। गेम में आने के बाद सबसे पहले इसको अल्ट्रा पे कर लेना है, आपको अच्छी क्वालिटी साफ दिखेगा, फिर साफ फिर बैक आ जाना है, फिर यहाँ पे अपन में जाके रिकॉर्ड कर देना है। आपको यहाँ पे आने के बाद फिर सिंपली आपको यहाँ रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड करने के बाद बैक आ जाना है, काइन मास्टर ओपन करना है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, 9:16 का प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेनी है। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेने के बाद पैन जूम करना है, यहाँ पे अच्छी तरीके से पैन जूम कर लेंगे पूरा यहाँ तक पूरा। वीडियो की वॉइस म्यूट कर देनी है, वो वरना बाद में दिक्कत हो जाएगी। म्यूजिक ले लेना है, म्यूजिक लिंक इन डिस्क्रिप्शन, सुन लेना है एक बार म्यूजिक को। थोड़ा यहाँ से ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे, और यहाँ पे जस्ट स्प्लिट लगा देंगे। स्प्लिट लगाने के बाद इसकी पूरी स्पीड कम कर देनी है, पूरी लास्ट 125 कर देनी है पूरी, बाकी की वीडियो काट देनी है यहाँ से ट्रिम टू राइट। एक बार प्ले करके देख लेना, यहाँ थोड़ा पेंजू में जाएंगे, इसको थोड़ा नीचे करेंगे, इससे थोड़ा अलग लगेगा ना ग्लो आने के बाद। एक बार प्ले करके देख लेते हैं, तो ये बन गया। अब इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद कैपकट ओपन करना है, ओपन हो रहा है। चुनी प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट करना है, काइन मास्टर जो हमने एक्सपोर्ट करा था सेव कर यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ऐड कर देंगे यहाँ पे, ऐड करने के बाद यहाँ पे इफेक्ट लगा देंगे, ये इफेक्ट लगाएंगे, बेसिक में जाएंगे। बेसिक में जाने के बाद यहाँ पे एक ब्लर पूरा ब्लर वाला लगा देंगे यहाँ पे, यहीं तक लगाना बस, यहीं तक हमें ठीक है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद लाइट मोशन ओपन करना है, लाइट मोशन में आने के बाद प्रोजेक्ट ले लेना अपना 9:16 का, जो भी कैपकट से एक्सपोर्ट करा था वो ले लेंगे। ऐड में जाएंगे और यहाँ पे ये वाला ले लेंगे, और देखेंगे प्ले करके इसको, वहीं पर स्प्लिट करेंगे भी। यहाँ पे स्प्लिट लगा देंगे 13,
अपना प्रोजेक्ट ग्लो ले लेंगे। यहाँ पे एक ही बार पहले सबको कॉपी कर लेना है, एक एक करके नहीं होगा फिर बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ जाएंगे कॉपी करके यहाँ अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट करेंगे। यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको पूरे वीडियो पे लगाएंगे। अभी ये थोड़ा आगे हो रहा है, इसको थोड़ा कट करेंगे। इसको भी बस इसमें और भी ग्लो है, आप जरूरी नहीं है ये वाला ग्लो लगाएं, और भी लगा सकते हैं। इसी में दिखेगा आपको। इसको यहाँ से काट देंगे, इसको पूरा वीडियो पे लगाएंगे लेयर को, ये यहाँ तक, ये इसको लेंगे यहाँ तक, इसको भी लगा देंगे वहीं तक, ये लग गया, इसको भी लगा देंगे। यहाँ तक लग जाएगा। ये लग गया। इसके बाद अब फालतू लेयर जो है डिलीट कर देनी है सारी, इसमें जो ग्लो वाले में है इस सबको करेंगे एक एक करके डिलीट जल्दी जल्दी। और इस वाली लेयर को पूरा यहाँ तक कर देंगे 10-16 तक। इसको भी वहीं तक कर देना है बराबर। बैग आ जाने, बैग आने के बाद मेरा प्रीसेट लेंगे, प्रीसेट कॉपी करना है मेरा, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद बैग आएंगे, अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे और पेस्ट कर देंगे आगे तक। यहाँ पे इस वाले लेयर में पेस्ट कर देंगे। और इसके इफेक्ट में जाके ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट कम कर देंगे, इसका थोड़ा बहुत जाएंगे ज़्यादा ही कुछ।
अब इसको जाके एक्सपोर्ट कर लेंगे।